बीच जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इंतजार की घड़ियां बड़ी अजीब सी होती हैं, दिल सीने से उतर कर आंखों में धड़कता है, तो वो दिल अब आंखों में धड़कना शुरू हो गया है, क्योंकि अब हमारे बीच जो आने वाले हैं, जिनको हम बुलाने वाले हैं, उनका नाम क्या है? सुनाई नहीं दिया मुझे? राजू श्रीवास्तव। हेलो हेलो, अरे कैसे आप? हेलो हेलो, थोड़ा वॉल्यूम और दीजिए। अरे बेटा, वो बंदर क्यों नहीं कोई RT-PCR कर लेगा? जब बहुत तारीफ हो जाए तो डर लगता है लास्ट में ये कहीं नहीं कह दे कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। इतनी अच्छी शोरील बनाई थी तो मुझे क्यों बुलाया? सारा प्रोग्राम तो इसी में आ गया। आयुष बहुत अच्छा डांस कर रहा था, मैं भी ताली बजा रहा हूँ उसके लिए। लेकिन ऐसा मैं बैठ के देख रहा था, मैं कह रहा था अगर ये डांस आयुष किसी खेत में कर दे तो 5 साल वहां अनाज पैदा ना हो। ये ACP पुलिस लखनऊ के हमारे मित्र चिरंजीव सिन्हा जी, जोरदार तालियां, भगवान उनकी आत्मा को शांत रहे, खुश रहे हमेशा। नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं, मेरी भी दीर्घायु हो, मेरी भी उम्र लगे। और विशाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, विशाल जी के लिए जोरदार तालियां, विशाल श्रीवास्तव जिनकी कोशिश से ये प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है। और साथ में पूजा जी कहाँ हैं? अरे वाह, ब्यूटी पार्लर से आई हैं, अच्छी लग रही है, तभी उतना खुल के नहीं हंस रही थी। हाँ, ठीक। क्योंकि ब्यूटी पार्लर वाली सिखा देती, ज्यादा हंसोगी तो मेरी गारंटी नहीं। थैंक यू पूजा जी, ऑर्गेनाइज किया इतना अच्छा शो। कलांतर से जितने भी सज्जन जुड़े हुए हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जिए। कलाकारों को ढूंढें, प्रतिभाओं को ढूंढें, इसमें मेहनत लगती है, समय लगता है, पैसा लगता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, तालियों से आप इन्हें धन्यवाद दे सकते हैं। और कैसे भाई साहब, यहाँ ही हाथ मिला लीजिए, ये भैया हमें लेके आए होटल से, और तात्या टोपे के लड़के हैं। ये इनके ये इनके पतिदेव हैं, और पत्नी है इनकी एक ही है। कंजूसी कर रहे हैं ये भैया, देखो पेशाब करके आ गए। किया अच्छा, अच्छा। ऐसे कार्यक्रम में खाली बोतल लाया करिए, क्योंकि डर होता है उठ के गए तो कोई और बैठ गया, है ना। बहुत अच्छा आप कार्यक्रम का मंच संचालन कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप भी सेवा भाव से ही आए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। यहाँ जितने लोग जुड़े हैं, बस यहाँ पे क्या सैंडविच मिला है बस। लेकिन इसका एक अलग आनंद है। तू वीडियो बना रहा, आगे खड़े हो, पीछे वाले क्या पेंदा देखेंगे तुम्हारा? उनके मुंह पे यूं है, कह रहा आज यही देखो, आज वाला संडे इसी के भरोसे है ना। तो बेटा ध्यान रखो, छोटे छोटे बच्चे काफी हैं, आप लोग बहुत मेहनत वाले लोग हैं। अरे बच्चे ने तो मेरी अभी ऐसी तैसी कर दी। चिरंजीवी, मैं कार से उतरा तो 1100 बच्चा था, मैंने हाथ मिलाया, हमने कहा बेटे आपके पापा क्या करते हैं? मतलब मालूम नहीं, हम तो जल्दी सो जाते हैं। तो ऐसे जबरदस्त बच्चे आपने लगता जानबूझ के छोड़े हुए मेरे ऊपर। तो ये कितने महीने, कितने समय की ये कोशिश होती है? आप अलग अलग प्रांत जाते हो, प्रदेश जाते हो, कैसे मतलब कब? पूरे देश में। वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात है भाई। सो मोबाइल से फोटो को शूट ना करें, मेरा मानना जो मोबाइल से कर रहा होता है वो उस समय नहीं सुन रहा है, वो तैयारी कर रहा है बाद के लिए। ये जब चले जाएंगे तब देखेंगे। तो बात के लिए तो मैं वीडियो में वैसे ही YouTube में घुसा पड़ा हूँ, जितना चाहे वहां देख सकते हैं, कर सकते हैं। सो चलते फिरते चुटकुले। अच्छा, हम लोगों को कोई सीरियस लेता ही नहीं,
मतलब फ्लाइट में बैठो या होटल में कहीं कोई मिल जाए। अच्छा कुछ लोग पता चला अब हादसे का काम है तो समझते हैं 24 घंटे इसी में रहते हैं। अब हमें कोई गंभीर बात ही नहीं करे, अब एक आदमी आया खामोखा हमें देख के हंस रहा है, हम खड़े हैं वैसे। हमें कुछ काम है नहीं। आपके साथ कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा आपको? आपको लगे जिप तो नहीं खुली है क्या, चल क्या देख के हंस रहा है, क्यों हंस रहा है? तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां जबरदस्ती की पैदा हो जाती हैं। अच्छा कुछ चीजें दिल्ली में भी ऐसा लगता है छेड़ने के लिए लिखी है। मैं परेशान होता हूँ, पता नहीं आप परेशान होते कि नहीं, आप लगता झेल जाते हो। अब एयरपोर्ट से निकला वहां बड़ा बड़ा लिखा हुआ है दिल्ली नगर निगम आपका स्वागत करता है। अब हमने देखा दिल्ली नगर निगम स्वागत करता है तो हम खड़े हो गए, हमने लिखा है तो कोई करेगा। फिर एक टैक्सी वाले ने बताया रहे भैया जाओ तो ऐसे ही लिखा रहता है, लखनऊ चारबाग स्टेशन बाहर निकलो वहां लिखा है कृपया बाएं हाथ से चलें, किसी का बाप नहीं चल सकता बाएं हाथ से। मैंने फिर भी कोशिश की कि योगी जी नाराज ना हो जाए, मैंने बाएं हाथ से चलने की कोशिश की, मेरी कोहनी छिल गई। एक जगह बड़ा प्यार से लिखा हुआ है यहाँ पेशाब करना मना है, नीचे किसी साहित्यिक आदमी लिख दिया जोर से लगी हो तो बात अलग है। मतलब इतने समझदार लोग भी हैं, मतलब समझते हैं अगर प्रेशर बना होगा तो क्या होगा, इस बात का भी ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक घर के बाहर लिखा हुआ बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे। हमने कहा भाई परिवार नियोजन को देखो कितना अच्छा प्रोत्साहन दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। मैं अंदर गया तो देखा 6 बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। हमने भाई साहब बाहर तो आपने लिखा बच्चे दो ही अच्छे, नहीं नहीं बच्चे दो ही अच्छे 4 बदमाश हैं। देखो जोरदार तालियां कलांतर के लिए। एंजॉय कीजिए है ना, बाद में दारू पियेंगे। ये मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे पुराने मित्र हैं हम लोग बहुत। कैसे भाई सब बढ़िया? ये इतने होशियार है, इंटेलिजेंट आदमी है, ये गोबर सुन के बता देते हैं गाय की उम्र क्या है। सो बहुत सारी बातें हम लोग चलते फिरते जीवन में हो जाती हैं, वही हम आपके सामने पेश कर देते हैं। और जब आप हंसते हैं तो वही हमारी ताकत होती है, वही एक हमारे लिए प्रॉपर्टी होती है कि भाई चीज चली। कैसे वैसे आप, अरे बाल अभी गए पहले से गए? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं सबके जाते हैं शुरू में। मुझे भाषाएं बड़ी अच्छी लगती है, मैं कई यहाँ पे बिहारी बाबू हूँ, बिहारी लोग हैं ताली बजा दीजिए। बिहारी भाषा मुझे इतनी अच्छी लगती है। अच्छा कुछ सेंटेंस में जबरदस्ती का नहीं लगाते हैं, जहां मतलब नहीं लगाएंगे जिस सेंटेंस में वो नहीं बोलेंगे लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है। हमने क्या कर रहे हैं, देख नहीं ना रहे हैं। तो हमने कहा देख नहीं रहे या है, बोले नहीं नहीं को समझना नहीं है, खाली बोला जाता है। हमने खाना खा रहे हैं, खाना नहीं ना खा रहे हैं। अब मालूम नहीं पड़ता खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, क्योंकि नहीं में दोनों मीनिंग कहते हैं। अच्छा रा को बोलेंगे अड़ा, अड़ा को बोलेंगे रा, है ना। काय खा रहे हैं, बैठिए, कितना देर से खा रहे हैं। हमारे पास एक खरे साहब थे वो बैठ गए, काय खा रहे हैं। ट्रेन में खाने का डब्बा खोला, हमारे बिहारी दोस्त ने खाना पूरा महक गया खुशबू, भूख लगी, खाना देख के भूख लग गई। हमने कहा कौन सी सब्जी है, तो कह रहे हैं भड़वा बैंगन। हमने कहा सब्जियों में भी भड़वे होते हैं? आप नहीं है सब्जी, भड़वा पराठा, भड़वा शिमला मिर्ची। अरे हमने कहा स्टफ स्टफ। भाषाओं का अलग अलग हो, इटावा इटावा में किसी क्या गया, बहुत देर तक बैठे रहे, तब अचानक उनकी माता जी बोली कि कितनी देर से बैठे, कछुआ ना खाए। माता जी मैं कछुआ नहीं खाता हूं। तो उनके पति बोले ना ना जे कह रही है कुत्तो खा लो, कब से बैठे हैं कुत्तो खा लो। अच्छा बंगाली है, जोरदार ताली बजा दी बंगाली भाई। बंगाली मुझे बड़े प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं, हमारे मित्र हैं कुमार शानू वगैरह, बप्पी दा रहे नहीं हमारे बीच, तो उनसे तमाम चीज। इनके यहाँ ओ बहुत है, हर चीज में ओ है,
ये ओ लेके घूमते रहते हैं कि कौन से वाक्य के साथ रखें। अब सीधा सीधा पानी है, जल है, आप बोलेंगे जल, ये बोलेंगे जोल। अच्छा जोल को खा लेते हैं, जोल खावे ओ बहुत है। एक दिन कुमार शानू ने मेरे से कहा, आए राजू राजू खाना तो आए राजू खाना, काल हमारे घर आओ, काल हमारे घर आओ, एकदम बालो भोजन, काल हमारे घर आओ, सुंदर भोजन। अब भोजन सुना, मैं पहुंच गया, रात के 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बजे, भोजन का ठिकाना नहीं। हमने दादा कहाँ है भोजन, आए फर्स्ट फ्लोर पे अनूप जलोटा का भोजन। अच्छा हमारे कानपुर में अलग ही होता है, हर आदमी छुट्टी के मूड में, मैं कानपुर का हूँ, छुट्टी के मूड में, फ्लाइट को 1 घंटा बचा है टेक ऑफ होने का, 1 घंटा बचा है। हमने कहा चाचा प्रणाम चल रहे हैं, अरे बैठो कहाँ अभी है, अरे अभी 1 घंटा है बैठो, अरे छुट्टी भी किया करो है, भागम भाग लगाए हो है, अरे बैठो अभी 1 घंटा है। अरे मैंने 3 बजे की फ्लाइट है, 2 बज रहा है घर में, अरे बहुत टाइम है, छुट्टी भी कभी लिया करो, मौज लिया करो, हलवा बन रहा है, आटा हलवा कहूं मिलता है, हमारे यहाँ मिलता है, आटा हलवा खाओ बैठो, छुट्टी है मौज लो। हमने कहा अजीब बात है, तभी हमने मोबाइल पे बताया, हमने कहा देखो बम फटा है कानपुर में, बम फटा है। तो बोले अरे अब कानपुर आनपुर में बम नहीं फट रहा है, सब झूठी बात है, तुम मौज लो, छुट्टी मौज लो। हमने कहा नहीं नहीं अब, अरे अब आतंकवादी कोई काम है नहीं है, कानपुर में फोड़ने लगे, अरे नहीं हमारा। हमने कहा अरे देखो मोबाइल में देखो ये फटा है, देखो यहाँ घंटा घर पे फटा, वहां फटा, तो फटा हुआ देख के बोले इसका मतलब 3-4 दिन की छुट्टी होगी। सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश, अपनी अपनी चक्कर है, सबका अपना अपना। अच्छा कार्यक्रम में आप लोग तो बहुत अच्छे से बैठे हैं, ये देखो भैया ये भी आ गए, सीधा यूक्रेन से आए हैं, कैसे वहां सब ठीक है। अच्छा जो पेशाब के लिए उठ के जाता है मैं उसके चेहरे से जान जाता हूँ कि टेंशन से यूं जाएगा गुस्से में। अच्छा आएगा तो मैं समझ जाता हूँ, फ्री हो गया जरा, रिलैक्स में आ रहा है। सो ये तमाम, अच्छा जिस तरह से आप लोग इतना अच्छे से बैठे हैं, कभी कभी पीछे फरमाइश शरमाइश भी करते रहते हैं लोग, अरे वो सुनाओ लालू वाला सुनाइए राजू जी, अरे लालू वाला सुनाइए, हम लोग हाँ भाई पैर छू लें, इधर से कोई बोल अरे वो शोले वाला सुनाइए, वो खाने वाला, खाने वाला वो जिसमें खाना खाते हैं बुफे वाला, शादी वाला सुनाइए, वो सुनाइए, फरमाइश करते हैं लोग। एक एक किसी ने फरमाइश की लालू वाला सुनाइए, जैसे ही मैंने लालू वाली फरमाइश शुरू की वो बाहर चला गया। फिर जब लौट गया हमने कहा भाई साहब आपने तो फरमाइश किया था तो मैं सुना रहा था लालू वाला और आप भी बाहर चले गए। नहीं 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 आप गलत मत समझिए, वो मेरा सुना हुआ था, मैं चाह रहा था सब लोग सुने, मेरे तो सुना हुआ है। इतने अच्छे अच्छे गाने हो रहे थे, ये उससे पहले एक बच्चा गा रहा था, सब सीख भी रहे हैं, उम्र के हिसाब से अच्छा गा रहे हैं, छोटे भी हैं काफी, कुछ बच्चे मैंने देखा टीनेजर भी थे, तो मैं चाहता हूँ ताली बजा के उन्हें आशीर्वाद तो आप दे सकते हैं। एक गाना हम लोगों ने बचपन में सुना था, जब बचपन में सुना था तब वो गाना मुझे लगता था रोमांटिक, क्योंकि उसके बोल ऐसे हैं, रोमांटिक गाना लगता था। ये किसको लग रहा है, कुछ ज्यादा रोमांटिक लग रहा है, हेलो, अरे पहले जैसा कर दो भाई, ऐसे लग रहा 3 आदमी आए हैं, 3 राजू शो, पहले ही 2 माइक रखे थे। तो अब उसी गाने को किशोर कुमार और लता जी का गाना है चिरंजीव जी, उसी गाने को, ये आपके साड़ू जी है ना, हाँ अरे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छा सब चीज आपने छाट छाट के रखी है। और ये बीच वाले चंद्रगुप्त मौर्य लग रहे हैं। ब्रदर ब्रदर इन लाइन, बाप रे, पूजा जी के भाई हैं, पूजा जी कहीं पूजा कर रही होंगी, अच्छा नहीं नहीं अच्छी बात है। सो उसी गाने को किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाने को मैंने पिछले हफ्ते सुना, तो जब सुना तो ध्यान से सुना तो मुझे लगा कि गाना रोमांटिक है ही नहीं,
ये गाना टॉयलेट में हुआ है, क्योंकि उसके शब्द ऐसे हैं। ये बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, ये नॉर्मली आते नहीं, आज आ गए। उसी गाने को जब मैंने आज सुना तो मुझे लगा ये रोमांटिक गाना नहीं है, ये गाना टॉयलेट में हुआ है, क्योंकि उसके शब्द ऐसे, ऐसा लगता है हीरो एक टॉयलेट में, हीरोइन दूसरी टॉयलेट में, क्योंकि गाने ही ऐसा है। अरे सुनो हाँ कहो, अरे कहा हाँ सुना, कुछ हुआ क्या। अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं, अरे चली हवा, अरे झुकी घटा, कुछ हुआ क्या। अभी तो नहीं। अच्छा ये गाना आप दोबारा सुनिएगा जाके, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, गाने के एंड में है, हीरोइन कहती है जरा से कुछ हुआ तो, जरा से कुछ हुआ तो, जरा से कुछ हुआ तो। थैंक यू कलांतर। मेरा चलना मुश्किल हो गया था, मेरे घुटने बेकार हो गए थे, मैं एक ही जगह पर बैठा रहता था, चलना मुश्किल हो गया था, फिर नीरव मोदी ने मुझे पंजाब नेशनल बैंक से लोन दिला दिया, अब मैं भाग सकता हूँ। और अजीब अजीब बात है, पहले मैं बहुत परेशान था, एकदम गरीब था, बेरोजगार था, तब मेरे मकान मालिक ने मुझे मैजिक ऐप के बारे में बताया, मैंने मैजिक ऐप खेलना शुरू किया, आजकल मैं गरीब के साथ साथ कर्जदार भी हूँ। अच्छा विज्ञापन ऐसे ऐसे, किसका लड़का बड़ा, ये कोई 10-12 महीने वाला, 9 महीने वाला तो नहीं है। गॉड ब्लेस बेटा, बैठो बैठो पापा के पास, यहाँ जो ये भी सीट खाली, सिन्हा साहब आप यहाँ बैठिए, वो उनको उनको भी बिठाइए। अरे अरे कोई बात नहीं, तू उठ गया, अरे इतना पतला आदमी, सिर्फ सरिया पड़ी क्या बॉडी में, गूदा कहीं और छोड़ा है, गूदा लेके चला करो, सीधे गूदा रखे। सो ये बातें तो अच्छा अच्छा विज्ञापन ऐसा लगता है बस ये लोग माल बेचने में लगे हुए हैं, इनका माल बिकना चाहिए किसी तरह से, ऐसे ऐसे विज्ञापन। एक विज्ञापन जब आता है तो मुझे लगता है मुझे चिढ़ाने के लिए आ रहा है, वो आता है गोरा बनाने की क्रीम। अच्छा लड़कियों के लिए तो है फेयर एंड लवली, और बॉयज के लिए है फेयर एंड हैंडसम, और फेयर एंड हैंडसम करता कौन है, विराट कोहली। मैंने उस कंपनी को बाकायदा मेल लिखा, हमने कहा अगर तुम्हारी क्रीम इतनी अच्छी है, सबको पता है विराट कोहली पैदाइशी गोरा है, अगर तुम्हारी क्रीम इतनी अच्छी है तो विनोद कामलिक लगाओ, और विनोद कामलिक ना मिले। अजीब अजीब एड, अजीब अजीब विज्ञापन। अच्छा माल आप लोग देखते हैं, मैं अपना देश गरीब देश कहते हैं, मुझे लगता है जबरदस्ती कहते हैं गरीब देश, गरीब देश है ही नहीं, कुछ खा के आ गए। क्या क्या हो, बट रहा है, अच्छी बात है, नहीं लेकिन हैंडसम आदमी है, जो भी है बहुत बहुत हैंडसम है। सो ऐसे ऐसे विज्ञापन आ रहे हैं कि समझ में नहीं आता। अब ये गरीब देश कहते हैं, है नहीं गरीब देश, हर महंगी चीज अपने आप, कार लॉन्च होगी तो कार वेटिंग में रहेगी, साल डेढ़ साल मिलती नहीं कार, सिनेमा हॉल में बालकनी टिकट पहले फुल होती। मैं चला गया जीन्स खरीदने, एक कोई ब्रांडेड शॉप थी मुझे पता नहीं, अंदर घुस एक तो बड़े शोरूम में घुसो, एक साथ 8-10 लोग टूट पड़ते हैं, आप अंदर घुसे ही नहीं, अंदर ठीक से आए भी नहीं, से दरवाजा खोला 4-6 लोग, हाँ बोलिए, हैं क्या हो गया, हाँ आने तो दो यार अंदर आ तो जाए। हमने जीन्स चाहिए तो जीन्स पसंद है, ये वाली कितने की है, 1.5 लाख। कितने की, 1.5 लाख। हमने धीरे से बताया यार, 1.5 लाख, हमें जीन्स की बात कर रहे हैं, हिंदी बताओ तो बोले 1.5 लाख की। हमने 1.5 लाख में तो हमारी शादी हुई थी, हमने 1.5 लाख की जीन्स आती है, वो आती है, मुझे उस दिन पता चला कि 1.5 लाख की जीन्स भी आती है। हमने कहा 1.5 लाख की जीन्स आखिर करती क्या होगी, क्या ये कोई फैसिलिटी देती है,
कि आप घर ले गए, आप बाथरूम में नहा रहे हो, वो खुद ही कबाड़ से निकल के आ रही है। खुद ही कह रही है नहा चुके हो तो हमें पहन लो, हमारे दोनों पांचे में पैर घुसेड़ लो। किस बात का 1.5 लाख? लेकिन भैया बिकती बिकती होंगी तभी तो बेच रहा है वो। अच्छा एक और आजकल फैशन, पहले देख मैं तो जा रहा हूँ कानपुर में, हमारे यहाँ गाय हमेशा रही, गाय पली गई और मैंने गाय की बहुत सेवा की है। गाय का गोबर चारा वो सब हम करते थे और माता जी हमारी दूहती थी, दूना मुझे उतना नहीं आता था तो गाय की सेवा की, शायद गाय का ही आशीर्वाद है ये गाय यहाँ सांड यहाँ खड़ा है। लेकिन आजकल शहरों में डॉग्स चल रहे हैं, डॉग्स पेट्स, डॉग को लोग बहुत प्यार करते हैं मैंने देखा। अरे अच्छी अच्छी हीरोइन जिनको आप टच भी नहीं कर सकते, कुत्ता ऐसे मतलब उनसे हाथ भी नहीं मिला सकते और डॉग अरे चाट रहा है, हम गरीब दूर से देख रहा है, अगले जन्म में भगवान हमें कुत्ता बनाओ। बिल्कुल सही सही, बच्चे का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, यही चल रहा है बेटा। अच्छा किसी घर जाओ, मैं अपनी बुआ के यहाँ गया, अब हमें पानी वानी नहीं मिला, जैसे घंटी बजाई वो एकदम, अरे अच्छा हो राजू तुम आ गए, ये राजा तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। कौन राजा? नीचे खड़े राजा, देखो राजू भैया आ गए, तुम्हारे भैया आ गए। हमने कहा यही भाई बना बचा है मैंने जिंदगी में, इसी को भाई बनाऊं मैं। राजा देखो तो तुम्हारे भैया आ गए, जाओ जाओ इसको गाड़ी 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 कहाँ खड़ी की, गाड़ी कहाँ खड़ी की, गाड़ी नीचे, इसको दो चक्कर लगवा दो, लास्ट टाइम आए थे बहुत मिस करता है तुम्हें बहुत, ये लो बॉल, लो बॉल, बॉल फेंको लेके आता है, पानी नहीं कुछ नहीं, थका हारा आदमी चला आ रहा है, अब वहां जबरदस्ती बॉल फेंक रही, ये लो गो 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 गेट इट, एक बार ले आया फिर फेंका, फिर ले आया तीसरी बार, जा ही नहीं रहा, कह रहा जो मंगा रहे हो तो फेंक क्यों रहे हो। वो भी उस्ताद है फिर, और बहुत मिस करता है, और इसको कुछ ट्रीट दिए, चॉकलेट लाए हो, इसका चॉकलेट लाए हो। हमने कहा हमें तो पानी मिल नहीं रहा इस घर में, डॉग का चॉकलेट लाए, अंदर गए, अंदर जाके बैठे, हमने कहा बुआ इसको बांध दो बस, वहां बैठे, हमने हमने कहा खुद ही मांग लिया, हमने कहा तो कुत्ते भी ध्यान है इनका, हमने कहा चाय दे दो चाय, चाय आई, चाय के प्लेट में काली प्लेट थी, देखा उसमें सफेद सफेद बाल पड़े हुए, हमने कहा बुआ इसमें ये डॉग के बाल हैं। अरे मीना, अरे राजू को क्या राजा की प्लेट दे दी क्या? अरे हरे को उनकी प्लेट मत दिया करो, मतलब मैं उस प्लेट के लायक भी नहीं हूं, हरे को राजा की प्लेट मत दिया करो, उसकी फेवरेट है। हमने वो फेवरेट है, तभी मैंने टेबल के नीचे देखा अदरक पड़ा हुआ है, हमने कहा बुआ देखो टेबल के नीचे अदरक पड़ा है, अरे अदरक नहीं है बस वो पोछना उठाना भूल गई। हमने कहा अच्छा वो चाय में नहीं डाला। अच्छा किसी घर जाओ वो उछल जाता है बॉडी की तरफ, जो गेस्ट है हाँ, उससे आराम से, जो जिनका घर है आराम से, भाई हिलना नहीं, हिलना नहीं, कुछ नहीं करेगा, हिलना नहीं। अब वो कब तक स्टैचू है बुआ, कब तक नहीं हिलना है, काटेगे तो नहीं काटेगे भैया, मालूम नहीं आज ही खरीदा है। सो पिछले दिनों हम लोग सोसाइटियों में, अच्छा इसके बाद अवार्ड भी है, अवार्ड बट सब सुन लो आज ही, क्यों कल हम मर जाएंगे क्या? जो आपके मोबाइल पे हैं और जो सुन चुकी हो वो हम नहीं सुनाएंगे। तो ये नया नहीं था। जी जी। सो पिछले दिनों हम लोग अपनी अपनी बिल्डिंग में सोसाइटी में सब लोग ऐसे बात करते थे, राजू भाई राजू भाई राजू भाई, ने कहाँ बुला रहे राजू भाई, आदमी जाता था, हाँ क्या हुआ, ऐसा है बगल वाली बिल्डिंग में दो हैं, है? इधर फर्स्ट फ्लोर पे तीन हैं, कौन, कह रहा कोरोना मरीज,
हमने कहा डरा दिया यार, साफ साफ बोलते। अच्छा इसमें बड़ा प्रॉब्लम होता था, मुंबई में था यूपी में अलग था लखनऊ में, लेकिन मुंबई में 25 आदमी से ज्यादा शादी के विवाह समारोह में आ नहीं सकते, 25 आदमी चाहिए। थाने से लोग आते थे, गिनते थे। एक शादी में हम भी थे, वो थानेदार साहब भैया ने क्या है आपके इधर बराबर है, आपके इधर सब लोग रूल्स बराबर फॉलो करता है, अच्छा बात है। नहीं नहीं आई एम वेरी हैप्पी, इधर सोशल डिस्टेंसिंग सबने मेंटेन किया है, आपका मेहमान सब दूर दूर है, अच्छा है। नहीं ये बात अच्छा है, जो बात अच्छा है अच्छा है, सब लोग बराबर दूर दूर है। हमने कहा साहब किसी को बताना नहीं, इन्होंने बुलाए उसी को है जिनकी आपस में नहीं पटती है। एक दिन मैं वो बड़ा वाला पहन के चला गया, वो दैट वो मास्क कौन सा था, समोसे जैसा जो होता है, हाँ समोसे जैसा, वो N95 पहन के हम चले गए कहीं खाना खाने, किसी का डिनर पे गए, जैसे खाना लगने लगा उतार के रख दिया, वेटर आया उसी में रायता डाल के चला गया। तो बड़ी समस्या होती थी। अच्छा कोरोना के मामले में मुंबई काफी बीच में बदनाम हुआ, तो मुंबई से आने वालों को लोग टेंशन, तो पहले लोग गाते थे बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, बीच में लोग गाने लगे बम्बई से आया मेरा दोस्त, पुलिस को इन्फॉर्म करो। एक कोरोना के टाइम पे एक बहुत वो चलता था, कॉलर ट्यून चलती थी मोबाइल पे, बहुत लंबी थी ना, अमिताभ बच्चन की, हाँ ये करिए हाथ धोइए, अरे आयुष कैसे हो, बहुत अच्छा किया तुमने, चोट लगी तो नहीं कहीं, इतना कूद गया वहां डर गया खामखा, तूने क्या डराने के लिए बुलाया मुझे, वेरी गुड फॉर योर परफॉर्म वेरी नाइसली, दैट्स वेरी गुड। सो ये भी बड़ा होशियार है ये, एक दिन मैंने इससे पूछा कि 15 फलों के नाम बताओ, तो कह रहा है कि एप्पल ऑरेंज गुआवा, और बाद में कह रहा है 1 दर्जन केला। तो बच्चन साहब का जो आप क्या आखिरी तक हंसते हो, सब हंस चुके इनका काम चालू है, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा मैं रुकूंगा आपके लिए, धन्यवाद बहुत धन्यवाद। तो अमिताभ बच्चन का वो जो आता था मोबाइल पे 20 सेकंड ऐसे हाथ धोइए ऐसे रगड़िए ये करिए आता था ना, तो शुरू में तो अच्छा लगता था, बाद में लोग टेंशन में आ गए जब पता चला अमिताभ बच्चन को भी कोरोना हो गया। तो मैं उनके जन्मदिन पे मैं हमेशा जाता हूँ, उनको मैं हमेशा अपना गुरु मानता हूँ, तो उनके जन्मदिन 11 अक्टूबर को मैं बुके लेके गया, मैं हिम्मत करके कहा, मैं उनको प्रणाम किया, हमने कहा दादा वो आप वो, उसको थोड़ा अग्निपथ स्टाइल में अगर बोलते उस मैसेज को तो लोग और मजा आता कोरोना के बारे में, तो बोले कैसे बोलते, हमने कहा ऐसे बोलते, शत्रु यह दृश्य है, शत्रु यह दृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है, शत्रु यह दृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है, तो जरा भी मत फिसल, घर से मत निकल। वरना भाई साहब ये जो आपके घर की रेखा है, रेखा ये जो आपके घर की रेखा है इसको पार करके मत जया कर, इस रेखा को पार करके मत जया कर, वरना आपके स्वास्थ्य का ऐश्वर्य खो जाएगा, फिर आपको आपके आंसुओं से अभिषेक करके अपने आराध्य को याद करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी प्रतीक्षा कर, एक बार कोरोना गया तो फिर जलसा ही जलसा जलसा ही जलसा। मैं यहां पहुंचा, लंच वंच भी होगा भाई सबका है ना, 2-3 मेरा है खाना है, खर्चा किया है, किसको किसको भूख लगी है, हाँ सही बात है, आप लोग तो बहुत समय से आगे होंगे टाइम से, मेरी फ्लाइट डिले थी इसलिए मैं अभी पहुंचा थोड़ा ले। हाँ फ्लाइट से मुझे याद आया, चिरंजीवी जी आपको मेरे से कौन सी दुश्मनी थी, इन्होंने मुंबई से मुझे बुलाया और फ्लाइट की टिकट थी एयर इंडिया की,
बुरी बात कोई नहीं है, हमारी इंडिया की अपनी ऑफिशियल एयरलाइंस है, लेकिन सच्चाई भी बताऊंगा मैं, ये दुनिया की पहली एयरलाइंस है जिसके अंदर आपको माँ का प्यार मिलता है। एयर हॉस्टेस रिटायर हो गई फिर भी लगी हुई है, अंदर बैठो बुआ चाची मौसी तेरे घूमती रहती है, पूरा होमली एटमॉस्फियर। जितनी डांट मैंने एयर इंडिया में खाई है मेरे माँ बाप ने इतना कभी नहीं डांटा होगा। जरा सा लेट हो जाओ, अब आए आने के टाइम है, मार झपड़ किसके, कहाँ रह गया था पायलट, तुमको ढूंढने गया है, जब पायलट को ढूंढ के ला। अच्छा कुछ बातें जबरदस्ती ऐसा लगता छेड़ने के लिए होती है। अब एयर इंडिया काउंटर पे गया मैं बोर्डिंग के लिए, जैसे टिकट दिया हमने कहा तो बोली हाय हेलो मिस्टर श्रीवास्तव विच सीट यू प्रिफर, हमने कहा विंडो दे दीजिए, विंडो तो नहीं है, तो हमने कहा क्या छेड़ रही थी, जो था वही दे देती, खामखा पूछ रही जबरदस्ती। अच्छा एयर इंडिया आप एयरपोर्ट पे, यहाँ पे हमारे एयरपोर्ट के मैनेजर आए हैं सिक्योरिटी ऑफिसर, उनको भी बता रहा हूँ बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, और सच्ची बात बताने में मैं डरता भी नहीं। आप लास्ट फ्लाइट लो रात की, आप एयरपोर्ट पे जाओ, जो जैसी आवाज आती है ऐसा लगता है ये तो भूतनी है कोई। अच्छा छाती से कौन बात करता है, एकदम हस्की आवाज में बोलती है, एंड विमान एंड विमान AI 101 not ready for departure. Yeah, this unit we want to जो लोग मुझे छोड़ने गए तो वो भी घुस गए, कहने लगे कोई चीज है इसको देख के जाएंगे। अच्छा मुझे फ्लाइट में तरह तरह करेक्टर मिल भी जाते हैं, एक हमसे अरे राजीव भैया अरे देखो विंडो देखो विंडो देखो भैया भैया विंडो देखो जहाज कितना ऊपर आ गया है, आदमी चींटी बराबर दिख रहा है, हमने कहा अभी उड़ा नहीं है वो चींटी है, तो कह रहा हाँ रामदाना के लड्डू लाए उसी में आई होगी। एक और अलग ही बोल रहे भैया हमें जरा विंडो सीट दे दीजिए, राजू भैया विंडो सीट दे दीजिए, हमने कहा अच्छा ऊपर से आपको देखना है खिड़की से सब देखोगे बादल वगैरह, नहीं नहीं थूकना है हमें, आओ थूको आके। सबसे ज्यादा मैंने परेशान होते उस शख्स को देखा है लंबी फ्लाइट में, इंटरनेशनल फ्लाइट में, जिसकी सीट पड़ जाती है टॉयलेट के सामने, अब फ्लाइट फुल है सीट भी नहीं चेंज कर पा रहा है, जहां बैठा है अचानक थोड़ी नींद लगी सामने से फ्लश की आवाज आएगी, अब ये जाग गया, जाके इसकी हालत ऐसी है, और खुद ही दिली दिल में कमेंट्री कर रहा है कोई धो रहा है। अच्छा फ्लश के बाद निकला नहीं, फ्लश के बाद निकला नहीं तो खुद ही कह रहा है अबे पैंट पहनने में इतना टाइम। अच्छा अगर कोई बाहर का क्रू है, अगर कोई बाहर की फ्लाइट है, कोई जापानी क्रू है, कोई फ्रांस का क्रू है, तो अगर उनसे इंडियन कुछ मांगते हैं तो वो टेंशन में आ जाते हैं वो लोग, एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो मैंने घंटी बजाई पानी मांगा, जापानी क्रू था, टंग टंग, हमने एक्सक्यूज मैडम आई वांट वाटर, वाटर सर यू वांट वाटर, सर सर यू वांट वाटर, सर यू वांट जस्ट नाउ वाटर लेटर वाटर, सर यू वांट वाटर, हमने इतना लफड़ा है तो कैंसिल करो मेरा नवरात्रि व्रत चल रहा है, मैं निर्जला हूँ निर्जला, वो डिक्शनरी में ढूंढ रही होगी व्हाट इज निर्जला। अच्छा कभी कभी खाने का ऑर्डर लेंगी पैसेंजर के, भैया बैठिए यहाँ बैठिए, खत्म ही कर रहा हूँ, बैठिए आइए आप, आपके लिए भी देखो ये है आयुष में ही बात है, मेरे बेटे का नाम भी आयुष है, तुम्हारी एज का है वेरी गुड वेरी गुड, और तुम्हारे दादा का नाम रमेश चंद श्रीवास्तव है क्या, मेरे बाप को भी ले लो, वो कह रहा होगा अब उनकी उम्र हो गई अब दे रहे हो, जब काम की थी तब नहीं थी। अच्छा खाने का ऑर्डर लेने जब आती हैं तो पैसेंजर के पूरा मुंह पे झुक जाएंगी पूरा लाड़ में, व्हाट यू प्रिफर
ऐसा लगता है एकदम भाभी जी आ गई. What do you prefer, your veg or non-veg? अभी समझा नहीं तो क्या सब कुशल मंगल. अच्छा इधर इतनी झुकी इसको तो अच्छा लग रहा है, उधर वाला टेंशन में, उधर वाले की शक्ल ऐसी. तो क्या कह रही, डोंट वरी अभी उधर भी और मार लिया तो कंगारू की तरह जाए. इसको मजा आएगी, इसके अंकल है ना. ये बिटिया कुछ करेगी, देखो सीधा कश्मीर जा रही है. किसको ला रही है? अरे कैसे आप, वाह वाह, सब अच्छे अच्छे लोग पीछे बैठे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कलांतर, बहुत अच्छा आपने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और इतना शानदार, थैंक यू सर. हाँ जी, ऑटो आप लेना था तो चुपचाप ले ली थी, सबको क्यों बता दिया? जी देखो है, उधर भी बता दिया तुमने, घर से सोच के आए थे. जरूर जरूर, ठीक है बेटा, मैं सबसे मिल के ही जाऊँगा और बच्चों के साथ फोटो भी खिंचाएंगे, मिलेंगे. एक एक फोटो अच्छी वाली ले लो, ये ले. तो कलांतर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए और एक बार मैं ताली चाहूंगा कि आप लोग स्वयं के लिए ताली बजाइए. आज यहाँ पे मेरा दिल्ली वाला परिवार भी बैठा हुआ है, हमारे बड़े भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, सीपी श्रीवास्तव जी, ये हमसे बड़े हैं, और छोटा भाई भी है दीपू श्रीवास्तव. सीपी श्रीवास्तव जी एयरफोर्स से रिटायर हैं, द्वारका में सेटल हैं. हमारे साले साहब भी आए हुए हैं, सुनील श्रीवास्तव, और तमाम बच्चे हैं साथ में, चौनी अठन्नी अगरबत्ती. सर के परिवार के लिए जोरदार तालियां. सर बीच में एक बात बताना चाहेंगे, आपने बताया आपके बेटी का नाम, बेटे का नाम आयुष है, आपकी बेटी का नाम अंतरा है, आपकी बेटी को वीरता पुरस्कार मिला था और उसी समय से जब आपका नाम होता है तो साथ ही अंतरा श्रीवास्तव जुड़ा हुआ है. एक बार अंतरा यहाँ पे नहीं, अंतरा के लिए जोरदार तालियां चाहिए, अंतरा और आयुष्मान के लिए पूरा नाम, अंतरा आयुष्मान के लिए. क्योंकि मैं ब्रेवरी अवार्ड आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ में एंकर हूँ और प्रेसिडेंट हाउस में ब्रेवरी अवार्ड की मैंने एंकरिंग करी थी और अंतरा को 2006 में ब्रेवरी अवार्ड मिला था. और उसने मतलब जो आप ये समझ सकते हैं कि जब भारत के राष्ट्रपति जब आपको अवार्ड देते हैं तो मतलब आप तो टैलेंटेड हैं ही हैं, लेकिन पूरी फैमिली और आपकी बेटी के लिए मैं चाहता हूँ कि अब आप जोरदार तालियां बजाएं अंतरा के लिए, क्योंकि ये आवाज मुंबई तक पहुंचेगी, अंतरा तक, और उसके इस साहस के लिए, क्योंकि ये सीख है हम सभी, क्योंकि हम सभी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जो अंतरा ने प्रूव करके दिखाया है. और ये दिखाया है कि राजू श्रीवास्तव न सिर्फ ह्यूमर करते हैं, न सिर्फ कॉमेडी करते हैं, लेकिन अंदर से बहुत गंभीर इंसान है. क्योंकि कोई भी इंसान किसी को हंसा तभी सकता है, लोग कहते हैं कि किसी को रुलाना बहुत आसान होता है लेकिन हंसाना सबसे मुश्किल विधा होती है. तो शायद इन्होंने लोगों के मर्म को समझा. क्योंकि मैं राजू जी आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों जब दुनिया में लॉकडाउन था, हम सब अपने घर में थे और समझ में नहीं आता था कि क्या करें, कैसे अपने मन को समझाएं, स्ट्रेस इतना हाई लेवल पे था. तो शायद राजू श्रीवास्तव के यूट्यूब पे जो वीडियोस थे वो एक बहुत बड़ा मंत्र था अपने आप को खुश करने का और उन स्ट्रेस भरे पलों में अपने आप को हंसाने का, गुदगुदाने का, कि जिंदगी को आगे बढ़ाने का. राजू श्रीवास्तव जी, वी आर सो थैंकफुल टू यू. मैंने हॉस्पिटल में, मैंने परेशानी में लोगों को आपके वीडियोस को देखते, और शायद इसकी परिकल्पना आज तो आप बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखते हैं, लेकिन इसकी परिकल्पना इन्होंने उस वक्त में की थी जब शायद ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल थी और अब तब सोशल मीडिया भी नहीं था. उस समय राजू श्रीवास्तव जी के कैसेट्स जो हैं वो मार्केट से लोग खरीदते थे और अपने मन को हल्का करते थे. तो शायद इस सोच के लिए मैं चाहता हूँ जरूर तालियां होनी चाहिए, क्योंकि एक रूप देखते हैं लेकिन शायद अंदर से बहुत ही गंभीर हैं और लोगों की भावनाओं को उन्होंने समझा. आपने कहा था सर कि सब लोग केवल वही देखते हैं कॉमेडी, हम लोग कल यही बात कर रहे थे कि अंतरा श्रीवास्तव की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं,
प्राउड फादर एक पर्सन है उनका, ये दूसरे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। जैसा सिद्धार्थ ने कहा, जो हंसाता है वो मन से बहुत संवेदनशील होता है। और मुझे लगता है अंतरा, शायद एक सर आपके लिए, मुझे लगता है गाने की लाइन है और मुझे लगता है कि वो शायद आपके लिए ही लिखा गया है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो हमें जिंदगी जीनी है तो आपसे सीखनी चाहिए किस तरह से जिंदगी में सारे स्ट्रेस के बावजूद हम एक मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर कायम रख सकते हैं। और अब मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि जी बिल्कुल राजू श्रीवास्तव जी का सम्मान करें। और जी विशाल जी, आप प्लीज स्टेज पे आइए। अब हम सर के अंदाज में ही थोड़ी कॉमेडी कर देते हैं। देखिए, आपको सम्मानित करने के लिए जो कोट पहन कर वो कोट पैंट पहन करके आए हैं, ये हमारे लाडले हैं, मिस्टर स्वप्निल हैं, ये हर्षा के पुत्र हैं। और जो आपके साथ आए हैं उनके जी बिल्कुल। और जो जिन लोगों को आज अवार्ड मिलना है, मैं उनसे कहूंगा कि वो बिल्कुल तैयार रहें, इसके बाद हम अपनी अवार्ड सेरेमनी शुरू करेंगे। तो अब वो समय आ गया है जिसका अवार्डीज को इंतजार था। सर आपको बताना चाहेंगे, राजू सर आपको बताना चाहेंगे, कलांतर की ऑनलाइन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, पेंटिंग, ड्रामा, राइटिंग, हिंदी और इंग्लिश, स्टोरी एंड पोएट्री, जिसमें कि DRDO, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड नमामि गंगे इवेंट पार्टनर्स थे। और CBSE एफिलिएशन के कारण इसमें पार्टिसिपेशन बाहर से भी बहुत सारे आए। प्लस सबसे बड़ी चीज़ जो अभी आप लेट हो गए, थोड़ा सा देरी हो गई, आप उसको बात को नहीं सुन पाए, इसलिए हम आपको बता देते हैं, जेलों से बहुत अधिक पार्टिसिपेशन आए। जी, जेलों से बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन आए हैं और विनर्स भी हैं। तो इसने हम लोगों को एक नया प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए प्रेरित किया है, कारागार के कलाकार। जी, तो अब बहुत समय ना लेते हुए हम प्रारंभ करेंगे पुरस्कार वितरण का। और आज मैडम को अभी अवार्ड के लिए बुलाया जाएगी। तो अब अवार्डीज तैयार रहे। सर आपको बताना चाहेंगे कि चूंकि ये ऑनलाइन प्रतियोगिताएं थी कई जगहों, तो कुछ पार बहुत सारे अवार्डीज आए हैं, लेकिन दूसरे शहरों के बहुत सारे मुश्किल भी होता है, बहुत के एग्जाम्स थे, बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं, ये सब रीजंस हैं। जी जी जी, उनके उनको कूरियर किए जाएंगे। हम शुरू करते हैं पेंटिंग से। 5 से 7 वर्ष में जो प्रतियोगी थे, जो विजेता हैं, वो आ नहीं पाए हैं, लेकिन उनका नाम अनाउंस कर देते हैं। फर्स्ट प्राइज रेहा तातेर, सेकेंड प्राइज देवोस्मिता बानी, थर्ड प्राइज सानवी बाहेती और कॉन्सुलेशन अंश निम महतानी। पेंटिंग एज 7 to 10 ईयर्स, एकांशी गोयल आई है। एकांशी गोयल, एकांशी के लिए जोरदार ताली। एकांशी के बाद वेदशी वालिंबे, सेकेंड प्राइज वो नहीं आ पाई है। 10 to 14 ईयर्स अश्मी मिश्रा तैयार रहे। हाँ, 10 to 14 ईयर्स फर्स्ट प्राइज अश्मी मिश्रा, मथुरा से आई है सर। मिशिका गुप्ता फर्स्ट प्राइज, मिशिका गुप्ता फर्स्ट प्राइज। अंश पटेल सेकंड प्राइज,
क्योंकि बहुत मुश्किल था, इसने इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है बच्चों के लिए जिन्होंने इसको इसमें प्राइजेस जीते हैं। शम्स अली थर्ड प्राइज, वो पटना से आए हैं। शम्स अली पटना से। सलोनी सिंगल कॉन्सोलेशन प्राइज मेरठ से। हिंदी पोएट्री राइटिंग 10 to 14 years फर्स्ट प्राइज अभ्युदय शर्मा। आइए अभ्युदय शर्मा। फोर्टीन टू एटीन इयर्स फर्स्ट प्राइज कलिका सदाना। कलिका सदाना 14 टू 18 इयर्स फर्स्ट प्राइज। सेकंड प्राइज शांभवी सिंह। शांभवी सिंह आई है। अच्छा नव्या अग्रवाल को फर्स्ट प्राइज पेंटिंग में था, मेरी गलती है, मेरे से अनाउंसमेंट में रह गया। पेंटिंग फर्स्ट प्राइज। शांभवी सिंह हिंदी पोएम 14 टू 18 इयर्स थर्ड प्राइज अनन्या अनेजा। हिंदी पोएम फर्स्ट प्राइज 18 इयर्स एंड अबव अरुण कमल। अरुण कमल मैडम। हिंदी पोएम 18 इयर्स एंड अबव थर्ड प्राइज अर्चना श्रीवास्तव। इंग्लिश पोएम 10 टू 14 इयर्स राइमा श्रीवास्तव। आई है, आई है रमेश राइमा श्रीवास्तव। इनका थोड़ा डाउटफुल था, नहीं इंग्लिश पोएम 14 टू 18 इयर्स अग्रणी फर्स्ट प्राइज। गरिमा वाधवा फर्स्ट प्राइज। अंशु सक्सेना सेकंड प्राइज।
हैदराबाद से आई हैं सर। भाई तालियों में बहुत कमी आ रही है, राजू जी बोल रहे हैं कि तालियां इस हॉल में पता नहीं लग रहा है कि लोग इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। तो जो ये प्राइजेस मिल रहे हैं इसके लिए लोगों ने बहुत सारी मेहनत की है। अमृता श्रीवास्तव थर्ड प्राइज। ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी एंट्रीज आई हैं तब अपनी कैटेगरी में इन्हें प्राइजेस मिली हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी करतल ध्वनि से हमारे जितने भी जो विनर्स हैं उनका आप स्वागत करते रहें, बताते रहें कि ऐसे बच्चों को भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है आज वो यहाँ पर नहीं है लेकिन कल वो यहाँ पर हो सकते हैं। हिंदी स्टोरी राइटिंग 10 to 14 ईयर्स प्रथम पुरस्कार श्रेया प्रकाश। थर्ड प्राइज अनन्या गुप्ता। थर्ड अनन्या गुप्ता। हिंदी स्टोरी 18 इयर्स एंड अबव फर्स्ट प्राइज सिन्नी श्रीवास्तव। इनके बिहाफ पर ये पुरस्कार अमृता श्रीवास्तव लेंगी। दोनों बेंगलोर से हैं, अमृता आप आ जाएं। हो गया था तो हिल गया था। टाइम तो है अब 3-4 मिनट। सेकंड प्राइज अंशु सक्सेना। थर्ड प्राइज उत्कर्ष चतुर्वेदी। सर ये उत्कर्ष जी पुणे से आए हैं। और राजू जी उत्कर्ष जी आ चुके हैं, द मोस्ट हैंडसम मैन जिनको आपने बोला था। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए उत्कर्ष जी के लिए। इसमें सर कॉन्सोलेशन प्राइज के विजेता यहाँ है नहीं पर उनका नाम हम अनाउंस करना चाहेंगे, वो अलीगढ़ जेल से गिरिराज जी। सर कॉन्सोलेशन प्राइज के विजेता यहाँ नहीं है, आ नहीं सकते, गिरिराज जी अलीगढ़ जेल से, तो इसलिए उनका नाम अनाउंस करना बनता है। इंग्लिश स्टोरी राइटिंग सेकंड प्राइज कृष्णजी सेन शर्मा। कृष्णगी सेन शर्मा इंग्लिश स्टोरी सेकंड प्राइज 10 to 14 इयर्स। थर्ड प्राइज एस्पेरेंजा रॉबर्ट। अगला पुरस्कार ओरिजिनल म्यूजिक कंपोजिशन हम आपको दिखाना चाहते थे इसे सर पर समय अभाव के कारण नहीं दिखा सकते हैं। मदर्स पब्लिक स्कूल भुवनेश्वर की प्रस्तुति धड़कने हैं आजाद को म्यूजिक में पहला पुरस्कार। आप इस म्यूजिक कंपोजिशन को यूट्यूब पे देख सकते हैं, तो वहां पे जरूर देखें। यहां पे भी हम प्ले नहीं कर पा रहे। हमारी सारी परफॉर्मेंस यूट्यूब पर अवेलेबल है कलांतर आर्ट ट्रस्ट के, उसमें ये कामयाब है। और गंगा नदी साहब का बहुत प्यार है तो इसलिए ये बहुत स्पेशल परफॉर्मेंस है गाजियाबाद सर। उसमें ये कामयाब भी है कि वो नमामि गंगे का थीम सॉन्ग बन सकता है। एक बार इन बच्चों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बच्चों, हमको आपके चेहरे भी काफी हद तक याद हो गए हैं, उसको इतनी बार देखा हमने। अब है ड्रामा। ड्रामा में पहले पुरस्कार नहीं आए हैं डीएस के डीएवी पुरुलिया,
लेकिन यहाँ तृतीय पुरस्कार डीपीएस आर के पुरम की टीम प्लीज स्टेज पर आ जाए। इस टीम को पहले आपने देखा है परफॉर्म करते हुए, तो एक बार जोरदार तालियां डीपीएस आर के पुरम की टीम के लिए। यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त इसकी बेहतरीन प्ले इन्होंने पेश किया, इन्होंने प्रेजेंट किया था अभी इन्हीं लोग बच्चों ने। हम बीच में सर की इजाजत लिए बिना अनाउंस कर रहे हैं कि इसके बाद सारे अवार्डीज की सर के साथ एक फोटोग्राफ होगी, सर से इजाजत नहीं ली हमने इसके लिए। कॉन्सोलेशन प्राइज बाल भारती स्कूल नोएडा आई थिंक आए हैं आप सभी, थैंक यू बच्चों। ओके 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 बाल भारती स्कूल आप नहीं बेहतर बच्चों को भी आना था मेरे ख्याल से ना, कोई बात नहीं। और इसके बाद जो एक कॉन्सोलेशन प्राइज है बाल भारती स्कूल से निवेदिता मैम आई हैं, उनके लिए जोरदार तालियां, बच्चों के बिहाफ पे वो इस अवार्ड को रिसीव कर रही हैं, थैंक यू मैम। इसके बाद वो एक कॉन्सोलेशन प्राइज जो सचमुच हम सब के लिए बहुत स्पेशल है, डिस्ट्रिक्ट जेल अंबेडकर नगर की प्रस्तुति। अंबेडकर नगर से मैडम हर्षिता मिश्रा मैडम जेल सुप्रिंटेंडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आए सर। उसके पीछे इन मैडम का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि कैदियों के पास तो कोई सुविधा होती नहीं है। ये म्यूजिक कॉन्सोलेशन प्राइज डिस्ट्रिक्ट जेल अंबेडकर नगर, ड्रामा कॉन्सोलेशन प्राइज। दोस्तों एक बार तालियां उन लोगों के नाम जो जेल से बाहर नहीं आ सके लेकिन जेल के अंदर उस चार दीवारी के अंदर रहते हुए उन्होंने अपनी संवेदनाएं यहां तक पहुंचाई हैं और एक प्ले के माध्यम से उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की है। तो राजू जी ये बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी थी उन लोगों के लिए भी और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जैसा कि जेल सुपरिटेंडेंट ने हमें बोला है कि हम आगे कैसे उनसे जुड़ सकते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके बीच जाने की, उन कैदियों से जुड़ने की, ताकि उनको अपनी अभिव्यक्ति का एक और मौका मिले और समाज की मुख्य धारा से वो दोबारा जुड़ सके। है यहाँ पर नव्या अग्रवाल, नव्या अग्रवाल के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सारे अवार्डीज से रिक्वेस्ट करेंगे सर आपसे पूछे बगैर कि सर के साथ एक फोटोग्राफ, ग्रुप फोटोग्राफ के लिए सारे अवार्डीज सर, इट विल बी ए मेमोरेबल मोमेंट फॉर देम। प्लीज सारे अवार्डीज थोड़ा जल्दी आ जाएं। थोड़ा सा जल्दी सभी अवार्डीज से अनुरोध है कि कृपया मंच पे आने की कृपा करें। कुछ बच्चे जो है वो आगे बैठ जाए नहीं तो वो फिर वो सब आ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। बच्चों कुछ लोग आगे बैठेंगे तब इस तरीके से बैठ हम बना दें थोड़ा सा। आप बच्चे खुद ही अपने आप फटाफट जैसे स्कूल में करते हैं Thank you.
विशाल का है, विशाल प्लीज आप आ जाइए। कलांतर के जितने भी वॉलंटियर्स हैं प्लीज स्टेज पर आ जाएं फोटोग्राफ के लिए। कलांतर के सारे वॉलंटियर्स प्लीज कम ऑन स्टेज फॉर ग्रुप फोटोग्राफ। चलिए प्लीज सारे बच्चे प्लीज लीव द स्टेज। अब वॉलंटियर्स वॉलंटियर्स की बारी है, सारे वॉलंटियर्स स्टेज खाली करिए। हाँ प्लीज लीव द स्टेज नाउ। जी प्लीज प्लीज बच्चों अब कालांतर के वॉलंटियर्स के लिए थोड़ा स्पेस दे दीजिए। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है अब कालांतर के वॉलंटियर्स आ जाएं। आइए मैम, कालांतर के जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो प्लीज आ जाएं। नहीं अभी वॉलंटियर्स कालांतर के सभी लोग आ गए। प्लीज अपनी जगह पर बैठ जाएं। चलिए कालांतर की पूरी टीम जल्दी से आ जाएं। प्लीज अपनी जगह पर बैठ जाएं। बच्चों फोटो खिंचाने के लिए बच्चों आप लोग बैठ जाओ ताकि बाकी लोग उस जगह पर आ सकें। बच्चों प्लीज अभी थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। प्लीज टेक योर सीट। मैम थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। हाँ प्लीज टेक योर सीट, फिर राजू जी बुरा मान जाएंगे। देख लीजिए है ना, दिल्ली की इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनुराधा जी से, आप प्लीज आइए और अपना ग्रुप फोटोग्राफ करवाइए जल्दी से। चलो बेटा आ जाओ, अनुराधा जी आइए प्लीज। अनुराधा मैम की टीम है जिसने आपका मन मोहा है यार। भाई साहब एक बार प्लीज जितने लोग एक बार तालियां फिर से इनके लिए बजा दीजिए। जी हम भी आएंगे सर, बिल्कुल आ रहे हैं। Thank you.
रश्मि जी कहाँ हैं आप? सर एक आठ मिनट की होगी अभी, आप सब बैठे रहे प्लीज। बात जब कला की हो रही है तो मंच संचालन भी एक ऐसी कला है जो दर्शकों को बांधे रखने के लिए बहुत जरूरी है, और आज हमारे दोनों संचालकों ने इसका बखूबी इसको अंजाम दिया है। तो हम हमारे चीफ गेस्ट राजू श्रीवास्तव जी से मैं अनुरोध करूंगी कृपया इन दोनों को सम्मानित करने की कृपा करें। कृपया जोरदार तालियां इनके अच्छे संचालन, अभूतपूर्व संचालन के लिए। अभी एक अवार्ड बीच में रह गया था कला दीक्षा केंद्र के बेस्ट स्टूडेंट का, जो अभी तक लगातार कार्यरत हैं कलांतर के साथ, मिस्टर सोमेश। सोमेश जी प्लीज आप आ जाओ। सोमेश आप आइए, आपका ये स्पेशल अवार्ड है। अभ्युदय शर्मा शायद थोड़ा विलंब से आए हैं, कृपया आप भी आ जाइए स्टेज पर और अपना अवार्ड ग्रहण करें। अभ्युदय शर्मा आ गए हैं, थोड़ा विलंब से आप आए हैं, आप तुरंत आ जाइए स्टेज पर। कलिका सदाना जी भी कृपया शायद विलंब से आई हैं, आप भी कृपया शीघ्र आ जाएं मंच पर अपना अवार्ड लेने के लिए। कलिका सदाना जी अवार्डीज को आने दें, कृपया अवार्डीज को आने दें। एक दो जो हमारे रह गए थे अवार्डीज वो अपना, हाँ मिस्टर सोमेश वो लगातार कलांतर के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे दो अवार्डीज बाद में आए हैं, कृपया उन अब कृपया स्टेज पर दो अवार्डीज के लिए स्पेस दीजिए। अभ्युदय शायद विलंब से आए हैं, लेकिन जितने लोग मौजूद हैं कृपया तालियां जाएं। अभ्युदय कलिका सदाना
अब हमारा अवार्ड का कार्यक्रम समाप्त हो गया है और अब हम हमारे कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग है हमारे मुख्य अतिथि को एक मोमेंटो प्रदान किया जाना। तो मुख्य अतिथि को मोमेंटो प्रदान करने के लिए कलांतर के अध्यक्ष विशाल श्रीवास्तव जी हमारे मुख्य अतिथि को मोमेंटो प्रदान करेंगे। कृपया मोमेंटो लाएं। इसके बाद बस समाप्ति में मैं कलांतर की जो कोर टीम है कलांतर की कोर टीम के मेंबर्स विशाल श्रीवास्तव जी से अनुरोध है कि हमारे मुख्य अतिथि जी को एक मोमेंटो प्रदान करें।